प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात करेंगे। जैसा कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारे प्रदूषण हैं, कुछ ऐसे प्रदूषण जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य, हर जीव के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। ऐसे में ही जो हमारे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है, ये सबसे खतरनाक प्रदूषणों में शामिल है। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें कि रेडियोधर्मी प्रदूषण होता क्या है। प्रकृति के अंदर ये चीज़ें सभी विद्यमान हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो सही मात्रा में, उचित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य उनका उपयोग किस प्रकार से करता है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। नाभिकीय पदार्थों जिनमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये एलिमेंट्स हैं, रेडियोथर्मी एलिमेंट्स जिनसे विकिरण निकलता है, कि क्रियाशीलता जब ये एक्टिव होते हैं तो ये रेडिएशन छोड़ते हैं, द्वारा हुए प्रदूषण को हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव इस जो सोर्सेज हैं इसके, कि ये प्रदूषण कहाँ से होता है, क्योंकि इनका लाइफ बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत लंबे समय तक ये असर डालते हैं, और करीब 1700 साल, ये देखिए यूरेनियम की 7100 लाख ईयर्स अल्फा बीटा गामा रे जो इनसे निकलती हैं, इसका असर इतने सालों तक बना रहता है, यानी सबसे खतरनाक कोई पॉल्यूशन है तो वो रेडियोधर्मी पॉल्यूशन से। ये रेडियोधर्मी पॉल्यूशन आते कहाँ से, व्हाट आर द सोर्सेस, वही वायु के अंदर जो वायुमंडल के अंदर प्रदूषण फैलता है उसमें रेडियो एक्टिव में दो तरह के, पहला है हमारा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंदर ब्रह्मांड से आने वाली किरणें जो अंतरिक्ष से हमें, जो यूनिवर्स से बहुत सारे रेज जो निकलती हैं, वो सबसे पहला सोर्स है जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। दूसरा है पार्थिव विकिरण, यानी कि जो अर्थ से रेडिएट होते हैं, अर्थ के अंदर जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ जहाँ पड़ा है, एक्टिव रहता है, तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पार्थिव विकिरण, यानी कि रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट कार्ड। तो ये हमारे प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा मानवीय स्रोत जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, या जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो प्रदूषण फैलाती है रेडियो एक्टिव, उनमें मानवीय स्रोत है, उद्योग एवं प्रयोगशाला है, यानी मनुष्य इन एलिमेंट्स का उपयोग करता है, इन तत्वों का उपयोग करता है प्रयोगशालाओं में, उद्योग धंधों के अंदर यूरेनियम का उपयोग करता है, इनको फ्यूजन जो प्रक्रिया है उससे इनसे एनर्जी क्रिएट होती है, रेडिएशन निकलती है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये हमें डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अलग अलग अपना उपयोग करते हैं। उद्योगों के अंदर भी इनका उपयोग होता है, अनेक प्रयोगशालाओं में नई नई खोज के लिए, नई नई ऊर्जा के रिसोर्सेज ढूंढने के लिए भी इनका उपयोग होता है, जिससे इनका रेडिएशन होती है, लेकिन इनके लिए बहुत प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, बहुत सावधानी से कार्य करने पड़ते हैं। ये में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत है वो परमाणु ऊर्जा, वर्तमान में जो पहले थर्मल कोयले से ही, फ्यूल से ही हम जो बायोफ्यूल का ही ज़्यादा यूज़ करते रहे, लेकिन उसका और भी अल्टरनेट विकल्प के तौर पर हम एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको ढूंढने की तलाश करते हैं। उसमें एक हमारा न्यूक्लियर प्लांट्स है, जो न्यूक्लियर एनर्जी भी एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन इसको पैदा करने में, इसको उपयोग करने में बहुत ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिनमें फ्यूजन प्रक्रिया से, यानी कि एटम्स जो होते हैं यूरेनियम थोरियम के, इनका जो एलिमेंट्स इनका उपयोग करते हैं, इनको तोड़ा जाता है, तोड़ने से जो एनर्जी निकलती है, जो रेडिएशन निकलती है, वो काफ़ी खतरनाक होती है। परमाणु ऊर्जा टोटल जो न्यूक्लियर प्लांट्स है 2000
सात के अनुसार इन 2007 अराउंड 30 कंट्रीज 30 देशों के अंदर 435 न्यूक्लियर प्लांट्स इस वक्त जो केवल ऊर्जा के लिए एनर्जी इंडस्ट्रीज वगैरह चलाने के लिए अन्य उद्योग चलाने के लिए जो उपयोग में आ रही है, कुल विश्व की जो ऊर्जा है उसका 16% 16% जो है वो न्यूक्लियर प्लांट से आता है। इनमें सबसे टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 104 न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, जबकि फ्रांस में वी है 59, रशिया में वी है 31, साउथ कोरिया वी है 20, जर्मनी में वी है 20, इंडिया में भी न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो उनकी संख्या बढ़ी है काफ़ी आज़ादी के बाद। अब एट प्रेजेंट जो है 17 जो है न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो वर्तमान में काम कर रहे हैं, ऊर्जा पैदा कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। खनिज खनन एवं संशोधन, जिन एरियाज के अंदर यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये जो रेडियम ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिन जिन एरिया में निकलते हैं वहाँ से जब खनन करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट जो है वो खुले में रह जाता है और उनसे लगातार रेडिएशन निकलती रहती है और वो नुकसान पहुँचाती है काफ़ी आसपास के क्षेत्रों में। तो खनन करते वक्त भी जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है और जो उसको प्योरीफाई किया जाता है उसमें अशुद्धियाँ दूर की जाती है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उस समय भी ये प्रक्रिया हमारे सामने आती है, उससे भी रेडिएशन निकलती है। तो वो वहाँ काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर है, उनके लिए बड़ी हानिकारक होती है, लेकिन उन्हें बड़े ध्यान से इस काम में कार्य करना पड़ता है। चिकित्सा विज्ञान के अंदर हम ज़्यादातर एक्सरेज यूज़ करते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनमें कोई भी फ्रैक्चर होता है या कोई और चीज होते हैं उनको देखने के लिए हम एक्सरेज का उपयोग करते हैं, जो बाहर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, यानी एक्सरेज के बाकी शरीर का केवल वही हिस्सा ही हम चिकित्सा में उपयोग में एक्सरेज के सामने लाते हैं जो हमें चेक करना होता है। तो बाकी अन्य शरीर के ऊपर हालांकि ये नेगेटिव असर डालती है फिर भी चिकित्सा उपयोग में भी इसका उपयोग होता है। ये कुछ मैन मेड काजेज हैं जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये विकिरण जो हम दो तरह का हो गया हमारा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम होता है हमारा, सनलाइट जो आती है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सदृश्य जो फिजिबल पार्ट होता है वो, और दूसरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारा कणिक विकिरण है। इन दो तरह का हमारा रेडियोधर्मी विकिरण होता है। सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिविटीज, ये हमने देखे प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। अब हम बात करें कि रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है उसका मनुष्य पे, अन्य जीवों पर क्या असर होता है। There's no doubt सबसे खतरनाक रेडिएशन जो होती है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित चीज होती है जो लाइफ के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण आपके सामने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, सेकेंड वर्ल्ड वार में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, बहुत बड़ा शहर जापान का, और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, एक और बहुत बड़ा शहर जिसके ऊपर लिटिल बॉय नाम से परमाणु बम गिराया गया, जिसने बहुत भारी, मानवता की यूं मानिए कि सबसे बड़ी तबाही जो हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार में इन दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से हुई है। ये दोनों बॉम्ब और उसके बाद जापान ने ये सरेंडर कर दिया था और इसमें लाखों लोग, यूँ मानिए कि वो दोनों शहर जो है पूरी तरह से तबाह हो गए थे, कोई जीव नहीं बचा था, कोई पेड़ पौधे नहीं बचे थे, कोई जीव जंतु नहीं बचा था, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हुई, इतनी ज़्यादा रेडिएशन पैदा हुई कि आसपास की सारी चीज़ें जलकर राख हो गई और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। यानी वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं या वो जो जीव पैदा होते हैं या मनुष्य की जो संतानें पैदा हो रही हैं वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, उनमें
शारीरिक विकार होते ही होते हैं, यानी आप मान सकते हैं कि इतने सालों बाद भी उनका कितना असर हुआ है। ऐसा ही एक रेडिएशन जो हुआ था, चेर्नोबिल एक्सीडेंट जिसको कहें, रशिया के अंदर न्यूक्लियर प्लांट का जो था उसके से रेडिएशन निकले, तो कई वर्ग किलोमीटर एरिया दूर दूर तक उस रेडिएशन का असर हुआ कि आसपास के जो पेड़ पौधे वगैरह हैं या जो वहाँ की फसलें हैं, वहाँ के अन्य जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब रेडियोथर्मी के प्रभाव, यानी ये रेडिएशन इतनी ख़तरनाक है कि जो बच्चा अभी पेट में है उसके ऊपर भी असर डालता है, वो भी अपंग पैदा होगा, वो भी शारीरिक से रूप से विकलांग पैदा होगा, यानी कि गर्भस्थ शिशुओं पर इसका बड़ा ज़्यादा असर होता है कि बहुत नाजुक होते हैं, वो शारीरिक बहुत रोग अक्सर फैलते हैं। रेडियोथर्मी जो प्रदूषण है उसमें शारीरिक रोग में सबसे बड़ा रोग होता है त्वचा का रोग, स्किन के लिए रोग जो होते हैं, स्किन बल्ट हो जाती है, स्किन के कैंसर हो जाता है, हड्डी रोग, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं जिनको जो इसके प्रभाव में आते हैं न्यूक्लियर के, सिर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जल्दी मनुष्य गंजा हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, रेड सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, उस मनुष्य की जो लड़ने की शक्ति है, इम्यून पावर है, वो घट जाती है, और कुल मिला के सबसे बड़ा जो रोग मनुष्य के शरीर में फैलता है या अन्य जीवों के जो शरीर में फैलता है, हाँ, रेडियोथर्मिक प्रदूषण से, वो है कैंसर, जो असाध्य है अभी। इसके अलावा जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनसे भी जो जल है उसमें मशीनों को जो प्लांट्स में मिलाया जाता है, जल का जो उपयोग किया जाता है उसमें भी, वो जल जब आसपास के क्षेत्र में जब छोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी ये रेडियोथर्मी जो एलिमेंट्स होते हैं जो हम न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर उन रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो जल का उपयोग करते हैं, वो जल है उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और आसपास की भूमि को बंजर कर देते हैं। खाद्यान्नों में प्रवेश स्वाभाविक है, जिस क्षेत्र में न्यूक्लियर प्लांट है उसके आसपास जहाँ खनन कार्य होता है, जहाँ पर रेडियोथर्मी एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, अगर वो रेडियोथर्मी एलिमेंट्स उस मिट्टी के अंदर मिक्सअप हो गए हैं तो वो प्लांट्स के थ्रू अन्य जीव जो उसको खाते हैं या मनुष्य जो खाता है उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स है विशेष तौर पर जिनके आसपास जो पानी छोड़ा जाता है, जिस मिट्टी में आसपास की मिट्टी जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है, उसमें उगने वाले जो खाद्यान्न हैं वो भी प्रदूषित हो जाते हैं, और उनका उपयोग करने वाले जो जीव हैं सभी प्रकार के वो भी उससे बहुत प्रभावित होते हैं, यानी कि परकोलेट हो जाता है थ्रू प्लांट्स। अंतरिक्ष से प्रदूषण, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश जो है आपस में अपने गुप्तचर सैटेलाइट्स वगैरह अंतरिक्ष में छोड़े रखते हैं जासूसी के लिए या अन्य सूचना एकत्रित करने के लिए, या जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं इनसे भी जो रेडिएशन निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारी जो स्पीसीज है पक्षियों की वो इस रेडियोथर्मी के प्रभाव की वजह से समाप्ति की कगार के ऊपर है। तो इस प्रकार से रेडियोथर्मी के ये बहुत खतरनाक प्रभाव, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक असर डालते हैं, बहुत कई सालों तक आने वाली कई पीढ़ियों पर असर रहता है इस चीज़ का, तो ये काफ़ी खतरनाक किस्म का रेडियोथर्मी जो है वो प्रदूषण है। अब इसको रोका कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहला है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हम ऊर्जा के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, इन सभी प्लांट्स के विकल्प अल्टरनेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ऊर्जा के, जो और अन्य स्रोत है जिस तरह से सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है, ऐसे विकल्प तलाशने की सबसे पहली हमारी जरूरत है। नंबर एक, परमाणु परीक्षणों पर रोक। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी यूनाइटेड नेशंस एक, यानी यूँ कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय एक पंचायत है, उसे बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, बल्कि
पूर्णतः इस पर रोक लगा देनी चाहिए। जितने भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जो विदेश कर रहे हैं, या जो परमाणु संपन्न जो देश हैं जिनके पास ये तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, बल्कि अब तो जो 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक, उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल। इनका तो विनाश केवल जापान के उन दो शहरों या इस आसपास के क्षेत्रों तक ही था, लेकिन वर्तमान में मनुष्य ने, कई देशों ने ऐसे खतरनाक बम तैयार कर लिए हैं जो यानी कि पूरी मानवता के लिए ही खतरा है, अकेले छोटे से क्षेत्र के लिए नहीं। इस बार जो भी विनाश होगा तो यूँ मानिए कि मानवता समाप्ति की ओर मतलब अपना कदम बढ़ा चुकी है। तो सबसे पहला काम रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने का यही है कि परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी जाए परमानेंट। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा, सैनिक या युद्ध उपयोग पर रोक लगे, यानी कि कोई भी जितने भी परमाणु बम बना रखे हैं, परमाणु हथियार बना रखे हैं, एक सभी देशों के एक संधि हो, एक जो यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जितने भी ये न्यूक्लियर हथियार हैं उनको नष्ट किया जाए, उनको युद्ध में सैनिकों के लिए उपयोग में ना लाया जाए। समय समय पर उद्योगों में जिन उद्योगों के अंदर रेडियोथर्मी जो एलिमेंट्स हैं इनका जहाँ उपयोग होता है, उन प्लांट्स की टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए, कहीं ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उनसे रेडिएशन तो नहीं हो रही, कोई ज़्यादा खतरनाक स्तर तक तो नहीं पहुँच रही, तो टाइम टू टाइम वो चेक होता रहना चाहिए। विसर्जित पदार्थों को सुरक्षित जमीन में, यानी इनका लाइफ इतना ज़्यादा लंबा है, अगर ये खुले में रह जाए तो बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। तो न्यूक्लियर जो प्लांट से निकलने वाले रेडियोथर्मी जो पदार्थ है, अपशिष्ट जो है, उनको सुरक्षित इतनी गहराई में दबाने चाहिए ताकि उनसे रेडिएशन जो है वो बाहर वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर ना फैले। तो विसर्जित पदार्थों को सुरक्षित ज़मीन में दबाएं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में संपूर्ण सुरक्षा मानक आवश्यक। दिस नो डाउट कि ऊर्जा विकास हर एक को चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए ऊर्जा चाहिए, न्यूक्लियर प्लांट्स हाँ लगाएं, ऊर्जा के लिए लगाएं, लेकिन शांति के लिए उपयोग में या उद्योगों को चलाने के लिए, लेकिन उनमें भी लगाते वक्त बहुत जो सुरक्षा के मानक हैं उनका पूर्णतः पालन करना चाहिए। जो चेर्नोबाइल रशिया का जो न्यूक्लियर प्लांट का जो डिस्चार्ज है, या जापान का भी पीछे भूकंप आया था, सुनामी आया था, जिसमें फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट था उसमें भी ये घटना घटी, तो ताकि उसको रोका जा सके इसके लिए बहुत जो संपूर्ण सुरक्षा मानकों की आवश्यकता है। तो ये आज के हमारे टॉपिक जो था रेडियोथर्मी पॉल्यूशन, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोथर्मी, जो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, इनसे निकलने वाली जो प्रदूषण है, जो वायुमंडल के निमेक्षक होता है, उसको हम रेडियोथर्मी पॉल्यूशन कहते हैं। ये कुछ प्राकृतिक और मानवीय स्रोत हैं जिनसे ये ऊर्जा निकलती है और वायु को प्रदूषित करती है। इसके प्रभाव आपके सामने हैं, गर्भस्थ शिशुओं पर असर डलता है, अपंग पैदा होते हैं, कमज़ोर पैदा होते हैं, शरीर के बहुत सारे रोग जो होते हैं रेडिएशन से लगते हैं, जल और वायु भी प्रदूषित होता है इनसे निकलने वाले अपशिष्टों से, और इन्हीं जल और वायु और मिट्टी के द्वारा ही जो रेडिएशन है वो खाद्यान्नों से और खाद्यान्नों से जीवों और मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है। इनको रोकने के जो उपाय हैं वो ये आपके सामने हैं, परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना, सैनिक या युद्ध उपयोग पर रोक लगाना, समय समय पर उद्योगों की जांच करना, विसर्जित पदार्थों को सुरक्षित ज़मीन में दबाना, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में संपूर्ण सुरक्षा मानक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो रेडियोथर्मी जो पॉल्यूशन है, कोशिश रही मनुष्य की ये रहनी चाहिए कि इनका कम से कम उपयोग करें, ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तलाश करें ताकि ये प्रदूषण कम से कम फैले। लेकिन वो कहते हैं ना कि
सुरक्षा में ही बचाव है। तो सबसे बड़ा इसका जो सॉल्यूशन है, जो बचाव का तरीका है, वो है सुरक्षा। धन्यवाद।